कोलारा साबकारी की डिबोदा बंजारू के डेरे पर कार्यवाही 8 प्रकरण दर्ज। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन अवधि में अवैध मदिरा निर्माण विक्रय परिवहन धारण के खिलाफ कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के अनुक्रम में जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में लगातार जारी कार्यवाहियों में आज दिनांक 14/10/2023 को कोलारा क्षेत्र के अंतर्गत निबोदा बाजारों के डेरे पर अलसुबह दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल 253 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर लगभग 3500 किलो गुड़ मौके पर नष्ट किया गया, जिसमें आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त किए गए कुल मदिरा की कीमत लगभग 4 लाख रुपए। उक्त कार्यवाहियों में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज, विनीत शर्मा, राहुल गुप्ता एवं आबकारी आरक्षकों, होमगार्ड सैनिकों का सराहनीय योगदान रहा। आज कोलारस में कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की गई है? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 14/10/2023 को श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता जी के निर्देशन में निबोदा बंजारों के डेरे पर दबिश दी गई थी, जिसमें आज कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और जब्त हुए माल की कीमत 4 लाख रुपये। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? 4 आरोपी गिरफ्तार।